पहाड़ों में भीषण बारिश की आशंका। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए जारी किया रेड अलर्ट। स्कूलों में 12वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी की घोषणा। पहाड़ों में मॉनसूनी बारिश ने मचाई आफत। केदार घाटी में बारिश होने से केदारनाथ हाईवे बंद, इसके चलते गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। मलबे को हटाने का काम जारी। राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट। आज से तेज हो सकती है बारिश। हालांकि कल मौसम विभाग की जानकारी के बावजूद राजधानी में नहीं हुई थी बारिश। गुजरात के लोगों पर अगले 2 दिन भारी बारिश। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी, यानी कि इन इलाकों में हो सकती है बहुत भारी बारिश। गुजरात के कई इलाकों में आसमानी बारिश ने मचाई तबाही। मूसलाधार बारिश के बाद अब जूनागढ़ से पोरबंदर जाने वाली सड़क को बंद किया गया। कई इलाके जलमग्न हुए, 29 गांवों का संपर्क भी टूटा। बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा। शिवाजी पार्क, दादर, वडाला में सड़कें बनी तालाब, लोगों को आने जाने में दिक्कत। असम के गुवाहाटी में लगातार बारिश से बड़ी दिक्कत। भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। 14 से ज्यादा जिलों पर असर। गोलाघाट में लोगों के लिए बारिश बनी मुसीबत। कई इलाके जलमग्न, पानी में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने संभाला मोर्चा। लाखों लोग प्रभावित। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का दावा, कहा कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से राज्य के 2.5 लाख लोगों से ज्यादा प्रभावित। आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बिगड़ सकते हैं हालात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कलमावाड़ी बांध के पास घूमने गए 2 लोग झरने में बहे। जानकारी मिलने के बाद लापता लोगों की तलाश में जुटी इलाके की पुलिस। हादसे के बाद भी लोनावला के भूषी डैम के पास नहीं बरती जा रही सावधानी। अब भी बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रशासन पर लोगों ने लापरवाही का आरोप। महाराष्ट्र में भारी बरसात के बाद नदी नाले में बढ़ा पानी। औरंगाबाद में अजंता गुफा के पास सप्तकुंड झरने में उफान। सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं संसद सत्र से जुड़ी बड़ी खबर। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर देर रात तक चर्चा चली। आज शाम को पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर जवाब दे सकते हैं। राहुल गांधी को हिंदू हिंसक वाले बयान पर संसद में घमासान के आसार। संसद में आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की संसद भवन में बैठक होगी। तीसरी बार सरकार बनने पर बधाई दी जाएगी। पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी का बीजेपी पर प्रहार। पीएम मोदी ने नेता विपक्ष को टोक कर कहा, हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर बात। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू समाज को हिंसक बताने वाले बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोला। आज बीजेपी राज्यों के सभी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लहराई भगवान शिव की तस्वीर। बीजेपी को बताया हिंसा करने वाली पार्टी। बोले कि सिर्फ बीजेपी वाले हिंदू नहीं। राहुल के बयान पर भड़के गृहमंत्री अमित शाह। बोले कि राहुल ने कहा जो हिंदू हैं वो हिंसा करते हैं, ये तो हिंदू धर्म का अपमान है। अपने बयान पर माफी मांगे राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण का अब सत्यापन होगा। राहुल गांधी के भाषण पर अमित शाह ने आपत्ति जाहिर की। कहा कि राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें कही जो कि सत्य नहीं। राहुल के बयान को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया हिंदू विरोधी। कहा माफी मांगे राहुल। प्रियंका बोली कि मेरे भाई ने बीजेपी के बारे में बोला। नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का तीखा प्रहार। कहा पहले दिन से झूठ फैला रहे हैं। राहुल गांधी के मन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत। नेता प्रतिपक्ष के हिंदू वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा राहुल ने भगवान शिव का अपमान किया। संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान। राहुल के बयान से पूरा हिंदू समाज शर्मिंदा हुआ है। हिंदुओं को हिंसक बताना उनकी मानसिकता का प्रतीक है। नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर ने राहुल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बोले कि संसद में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हिंदुओं को हिंसा से जोड़ रहे हैं। हिंदू भाईचारे का प्रतीक है। राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार। बोले कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है। राहुल को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। गर्व है हमें कि हम हिंदू। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसावादी कहकर राहुल गांधी ने हिंदुत्व का अपमान किया है। हिंदुओं से लोकसभा में माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूछा राहुल को आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। परिवारवाद से पनपे राहुल का बयान विभाजनकारी सोच का नतीजा। नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले कि राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर का जिस तरीके से अनादर किया उसे देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
राहुल गांधी के सदन में भाषण पर बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को बताया एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी। प्रयागराज में गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, माफी मांगने की मांग। मध्य प्रदेश के इंदौर में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़का, राहुल का पुतला जलाकर नाराजगी जाहिर की, राहुल पर हिंदू समाज के अपमान का आरोप लगा। राहुल के हिंदू वाले बयान के संतों ने भी आलोचना की, स्वामी अवधेशानंद गिरी बोले कि हिंदू अहिंसक होते हैं, हिंसक कहना ठीक नहीं, राहुल पूरे समाज को बदनाम। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजूदास बोले कि मेरी मांग है जब तक राहुल गांधी सदन में माफी न मांग लें तब तक उनको बोलने न दिया जाए जो वास्तव में हिंसक। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का पलटवार, कहा कि हिंदू हिंसक नहीं धर्म रक्षक होता है, चाहे शिव हो, श्री राम हो या फिर श्री कृष्ण, सभी ने धर्म की रक्षा में हथियार उठाए। गुरुद्वारा पटना साहिब के अध्यक्ष जगजोत सिंह बोले राहुल ने धर्म के बारे में अधूरी जानकारी दी है, सिख दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल को मांगनी चाहिए पीड़ित परिवार से माफी। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशी काउंसिल के चेयरपर्सन नसीरुद्दीन चिश्ती बोले कि इस्लाम में अभय मुद्रा का उल्लेख नहीं, राहुल गांधी को अपना बयान सुधारना चाहिए। दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा सदन में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार का अपमान धर्म का अपमान नहीं है, राहुल ने सरकार की बोलती बंद कर। अब 9 सेकंड में हर अपडेट देश की राजनीति से जुड़ा। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में शिवसेना यूबीटी का दबदबा, मुंबई की दोनों सीटों पर शिवसेना यूबीटी उम्मीदवारों की जीत, मुंबई ग्रेजुएट सीट से अनिल परब, मुंबई शिक्षक सीट से जेएम अभ्यंकर की जीत। चोपड़ा केस में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी, कहा कि बंगाल में सरेआम खून खराबा हो रहा है, आरोपी तजीमुल को कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में भेजा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज जाएंगे अयोध्या, कल रामलला के दर्शन पर अपनी पगड़ी उतार कर रामलला को समर्पित करेंगे और फिर अपना मुंडन कराएंगे, 21 महीने पहले उन्होंने संकल्प लिया था। महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि ग्राउंड पर बन रहे अंडरग्राउंड पार्किंग का जोरदार विरोध, बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों ने तोड़फोड़ की, कंस्ट्रक्शन का काम रुकवाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा दीक्षा भूमि के विकास की मांग के चलते सरकार ने विकास पैकेज को मंजूरी दी थी, विरोध के चलते अंडरग्राउंड पार्किंग का काम बंद। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा पार्किंग बनाने के इस प्रोजेक्ट ने सभी लोगों की भावनाओं को आहत किया, इस काम को तुरंत बंद कराए सरकार। यूपी कैबिनेट की आज बैठक, सुबह 11 बजे लोकभवन में बैठक होगी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों को चर्चा के बाद दी जाएगी हरी झंडी। अपना दल इसके संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जन स्वाभिमान कार्यक्रम, इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी अनुप्रिया पटेल। भोपाल में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे और नर्सिंग घोटाले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हरियाणा के करनाल में भारी बारिश के बीच सड़क निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों पर पीडब्ल्यूडी मंत्री बनवारी लाल की सफाई, कहा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते सड़क निर्माण में देरी। दरअसल करनाल में बारिश के दौरान सड़क पक्का करने के मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए, एससी ने कहा कि बारिशों के बाद दोबारा से होगा सड़क निर्माण का काम। करनाल में बारिश के दौरान बन रही सड़क के मामले में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस, 2014 से पहले करनाल से दिल्ली जाना बड़ी चुनौती हुआ करती थी, तब हुड्डा जी को नहीं दिखते थे गड्ढे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने जनसुनवाई की, जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने केक काटा, पार्टी कार्यालय दारुल अवाम के सील होने पर सड़क पर ही केक काटकर पार्टी प्रमुख का जन्मदिन मनाया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के 51वें जन्मदिन के मौके पर प्रयागराज में एसपी कार्यकर्ताओं का अनोखा अंदाज दिखा, 5100 झंडे लहराकर बनाई अखिलेश यादव की तस्वीर, एसपी मुखिया को जन्मदिन की बधाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी नेता की पुलिस से अभद्रता मामले ने पकड़ा खून, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा बीजेपी कार्यकर्ता से अभद्रता स्वीकार नहीं, चेकिंग अभियान कराएंगे। पर कानपुर में चेकिंग के दौरान बीजेपी नेता की गाड़ी से हूटर उतरवाने पर पुलिस से बीजेपी नेता की बहस का वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस ने कहा कि सीएम के वीआईपी कल्चर को खत्म करने के आदेश का पालन कर रहे हैं।
बिहार के नालंदा में जेडीयू कार्यक्रम में बार बालाओं ने ठुमके लगाए। सांसद कौशलेंद्र कुमार की जीत और संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी दिखाई। अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म हुए, देश में लागू हुए 3 नए क्रिमिनल कानून। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, भी न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण, अब दंड की जगह पर न्याय। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 आपराधिक कानूनों पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पुलिस मुख्यालय में इस दौरान सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। 3 नए आपराधिक कानूनों पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान, इन कानूनों से किसी को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है ये सरकार। नए कानून को यूएपीए से भी ज्यादा खतरनाक बताया। पंजाब के लुधियाना में नए क्रिमिनल कानून के विरोध में किसान संगठन का प्रदर्शन, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर धरना दिया, नए कानून को वापस लेने की मांग। और आइए अब 9 सेकंड के अंदर कोर्ट के आने वाले उन फैसलों पर नजर जिस पर पूरे देश की निगाह है। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, राहुल गांधी को आज कोर्ट में होना है पेश। यूपी के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को किया है तलब। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अफजाल अंसारी ने सजा के खिलाफ दाखिल की है अर्जी। एनआईए ने इंजीनियर रशीद को सांसद पद की शपथ लेने पर सहमति दी, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से लोकसभा का चुनाव जीते हैं रशीद। एएसआई आज कोर्ट में पेश करेगी भूचाला से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में दाखिल होगी रिपोर्ट। एएसआई ने 27 जून को पूरा कर लिया था सर्वे। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी आज, केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की याचिका, केजरीवाल ने अपने वकीलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतिरिक्त लीगल मुलाकात के लिए दाखिल की थी अर्जी, कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया। भूतशाला को लेकर जैन समाज भी आया सामने, एसआई सर्वे में मिल रहे अवशेषों को बताया जैन समाज के गुरुकुल का प्रमाण, वागदेवी प्रतिमा पर जैन समाज ने का उल्लेख। गुरमीत राम रहीम ने जेल से रिहाई के लिए फिर से दाखिल किया याचिका, परलोक पर जेल से 21 दिन की रिहाई के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर, याचिका पर आज होगी सुनवाई। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव मामले में आज कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद की जिला अदालत सुनाएगी फैसला, अपहरण और रंगदारी से जुड़े मामले में अदालत का फैसला आज। स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला, विभव कुमार की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा, विभव ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में बात उन 3 नए कानूनों की करेंगे जो आज से अमल में आने वाले। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्कूली छात्रों को तिलक लगाने पर विवाद हुआ, सरकार के आदेश पर स्कूल आने वाले छात्रों का स्वागत कर रहे थे शिक्षक, मुस्लिम छात्रों के परिजनों ने विरोध जाहिर। महाराष्ट्र के ठाणे में हादसे का शिकार हुई कार सड़क पर धू धू कर जली, अचानक से आग लगने से हड़कंप मचा, खोपट इलाके में कार में आग लगने पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत। शहीद अक्षय गवते के पिता ने कहा कि बीमा कंपनी से 50 लाख, केंद्र सरकार से 50 लाख, राज्य सरकार से 10 लाख की मदद मिली है, बेटी के लिए नौकरी की गुहार की है। हरियाणा के गुरुग्राम में केएमपी एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कार और टैंकर की जोरदार टक्कर हुई, 7 लोग घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अब खेल और दुनिया से जुड़ी कई अहम खबरें 9 सेकंड। कैरेबियाई द्वीपों पर आए भीषण तूफान के बाद बारबाडोस में फंसे हुए हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी, करीब 3 लाख की आबादी वाला बारबाडोस रविवार शाम से लॉकडाउन जैसी स्थिति में। बारबाडोस का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगली सूचना तक के लिए बंद है, तेज हवाओं और बारिश के चलते पानी और बिजली की आपूर्ति भी बाधित, भारतीय खिलाड़ियों की वापसी का इंतजार बढ़ा। बारबाडोस में मौसम खराब होने के चलते भारतीय टीम के स्वदेश लौटने में देरी हो रही है और इस पर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि चार्टर उड़ान के जरिए भारत रवाना होना था लेकिन यहां के हवाई अड्डे बंद। बारबाडोस के ब्रिज टाउन में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तूफान से शहर के कई इलाकों की छतें तक उड़ गई, पेड़ उखड़ गए, मौसम साफ होने का इंतजार कर रही है टीम इंडिया। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की, कहा कि उनकी आक्रामकता के चलते क्रम के बल्लेबाज भी बेखौफ होकर खेले।
रविंद्र जडेजा के T20 से संन्यास के बाद अब टीम इंडिया में धाकड़ ऑलराउंडर की कमी। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, कुणाल पांड्या भर सकते हैं जगह। विराट और रोहित ने भी T20 से संन्यास। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके पीएम मोदी का आभार जताया। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया। साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हराया। टेस्ट मैच में एक तरफा जीत दर्ज कर फैंस को तोहफा। कैरेबियाई द्वीप पर तूफान की दस्तक। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। तूफान की चपेट में आकर घरों की छतें तक उड़ गई और सैकड़ों पेड़ जड़ से उठ। बेरिल तूफान की वजह से समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। दक्षिण पूर्वी कैरेबियाई क्षेत्र में जारी हुआ अलर्ट। तूफान के कैरेबियाई क्षेत्र में पहुंचने पर 150 मील प्रति घंटा की हवा की रफ्तार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।